Assalamualaikum students, I am your math teacher Miss Amira from Metropolitan Foundation School. Hope you all are fit and fine. जैसे कि आप सब जानते हैं students कि COVID-19 की वजह से हमें schools off करने पड़े और हम जो हैं दोबारा से अपनी online classes start कर रहे हैं ताकि आप जो हैं हमारे साथ connect रह सकें और हम अपनी जो है studies जो है जारी रख सकें. और इसके लिए हमें आपका पहले की तरह फुल सपोर्ट चाहिए होगा, पेरेंट्स का हमें फुल सपोर्ट चाहिए होगा. जैसे कि पहले पेरेंट्स हमारे साथ हमें सपोर्ट करते रहे हैं, इसी तरीके से जो है हमें इस बार भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा ताकि हम आपके बच्चों की जो है स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकें और उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें. ओके स्टूडेंट्स, तो घरों में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मास्क वेयर कीजिएगा, हैंड सैनिटाइज करते रहेगा और साबुन से हाथ धोते रहेगा. ओके, ताकि जर्म्स आपसे दूर रहें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज आर कॉपी, नाउ वी स्टार्ट आर कॉपी वर्क. ओके, नाउ ओपन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू रिमेंबर कि लास्ट हमने प्रीवियस वर्क हमने अपना किया था राइट फॉरवर्ड काउंटिंग. 41 से 50 तक हमने अपनी काउंटिंग की थी जो मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए दी थी. तो आप सब बच्चों ने ये इस तरीके से काउंटिंग की थी. ओके, अब नेक्स्ट आज हम अपना वर्क कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे राइट इनवर्ड्स काउंटिंग. सबसे पहले तो हम आज की डेट मेंशन करेंगे ऊपर, देन हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ डेट मेंशन करनी है और फिर आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे राइट इनवर्ड्स काउंटिंग. इनवर्ड्स काउंटिंग कौन सी है? फोर की हमें स्पेलिंग जो है लिखनी है एफ O U R 4 F O U R 4. ओके, नाउ स्टार्ट. हमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप वन ड्रॉ करेंगे इस बॉक्स के अंदर राइट टू नेक्स्ट. वन लाइन आप पूरी, वन बॉक्स की लाइन आप पूरी छोड़ देंगे, ठीक है. उसकी नेक्स्ट लाइन पे आपने जो है जिस तरह से हम क्लास में वर्क करते थे आप सबको पता ही होगा, हम क्या करेंगे, वन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, फोर बनाएंगे हम, फिर हम देन यू करके इस तरीके से हम फोर अपना ड्रॉ करेंगे, फिर हम इज इक्वल टू लगाएंगे सेम एज इट इज़. आपने जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ऊपर राइट है, इसी तरह से आपने नीचे सेम एज इट इज़ लिखना है. एफ बनाना है आपने और उसके बाद देन ओ U R 4. इसी तरीके से आपने नेक्स्ट लाइन में भी F O 4 बनाना है एंड देन F O U R 4. इसी तरीके से आपने ये करते जाना है. वन इतना एक लाइन का स्पेस आपने छोड़ना है, ठीक है. एफ ओ यू आर 4. वन बनाया इस तरीके से, हमने टर्न किया, इज इक्वल टू एफ ओ U R 4. और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी जो है आपका जो है फॉर्मेशन टी को आप जो है लाइन पे बिल्कुल टच करके लिखें, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरीके से लिख रहे होते हैं, यहाँ O यहाँ जा रहा होता है, U यहाँ जा रहा होता है, R U जा रहा होता है और F भी उनका लाइन पे नहीं होता है. बिल्कुल लाइन से हमें टच करके इस तरीके से हमें नहीं लिखना, हमें जो है बिल्कुल लाइन पे इस तरीके से, ठीक है, लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. इज इक्वल टू
देखिए टीचर बिल्कुल लाइन पे जो है टच करके लिख रही है, लाइन बिल्कुल ऊपर नहीं है, बिल्कुल लाइन से हमें टच करके राइट करना है। इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है, और जिसका भी मुझे नीट एंड क्लीन वर्क मिलेगा एज़ यू नो मैं उसे स्टार दूंगी, जैसे क्लास में देती थी हाँ, इसी तरीके से मुझे सबका नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए। सबने सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न से सब कुछ लिखना है, एफ ओ यू आर फोर, फोर की स्पेलिंग इनवर्ड्स काउंटिंग में लिखेंगे, इनवर्ड्स में लिखना है हमें, फोर की स्पेलिंग हमें वर्ड्स वर्डिंग में लिखनी होती है, तो हम किस तरह से एफ ओ यू आर फोर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने ये इनवर्ड काउंटिंग जो है कंप्लीट करनी है, बिल्कुल लाइन पे नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉपी के पेज पे आपने इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी काउंटिंग करनी है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट, आपने कॉपी का ये वाला पेज ओपन करना है, राइट इनवर्ड काउंटिंग 5 5 5 F I V E 5। अब इसी तरह से आपने राइट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स बना नहीं पाते हैं ये 5, तो इस तरीके से बनाइएगा, पहले आप राउंड कीजिएगा, में एक उल्टा ख बनाइए, उल्टा सीधा ख ऐसे होता है ना, इस तरीके से हम ख बनाते हैं ना, राइट ख, आपने क्या करना उल्टा ख बनाना है, देन आपने छोटी सी लाइन ऊपर ले जानी और यू उसकी कैप बना देनी, ठीक है। प्ले ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, 5 का 5 इज फैट वेयरिंग अ कैप, 5 इज फैट वेयरिंग अ कैप, ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे सेम एज इट इज, और इसकी स्पेलिंग राइट करेंगे एफ, बिल्कुल लाइन से टच करके आई वी ई 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसी तरह से स्पेस देंगे हम बीच में, इतना ही हमने स्पेस देना है, वन बॉक्स छोड़ के हमने लिखना है। तो हम फिर क्या करेंगे, मेक अ उल्टा ख बनाएंगे, मेक अ ख इसी तरह बनाएंगे, ठीक है ना, 5 इज फैट वेयरिंग अ कैप इज इक्वल टू F I V E 5। फाइव इज फैट वेयरिंग अ कैप इज इक्वल टू F I V E 5। इसी तरीके से हमने लिखते जाना है सेम एज इट इज, 5 इज फैट wearing a cap is equal to F I V E 5। same as it is हमने लिखते जाना है, 5 is fat wearing a cap F I V E 5, 5 is fat wearing a cap F I VE 5, 5 is fat wearing a cap F I V E 5। बिल्कुल आपने देखें बॉक्स के अंदर लाइन पे टच करते हुए आपने इस तरीके से सब लिखना है नीट एंड क्लीन वर्क में, एंड लास्ट 5 is fat wearing a cap। इस तरीके से आपने ये ड्रॉ करना, इस तरह से लिखना है आपने सेम एज इट इज, इस तरीके से वन बॉक्स जो है आपने स्पेस खाली छोड़नी है, वन बॉक्स छोड़ के आपने जो है इस सेम एज इट इज आपने इस तरह से लिखना है 5 की इनवर्ड काउंटिंग। ओके नेक्स्ट हमने कौन सी लिखनी है, नेक्स्ट हमने लिखनी है राइट
आपने खोलनी ये वाला पेपर पेज खोलना है अपने कॉपी का और आपने लिखना है राइट इन वर्ड काउंटिंग 6 and 7. सिक्स की क्या स्पेलिंग है? SIX. सिक्स को अगर हम इन वर्ड में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? SIX 6. और 7 को कैसे लिखेंगे हम? SEVEN 7. ओके, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे. नाउ राइट डाउन 6 एंड इज इक्वल टू SIX 6. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है. लाइन पे बिल्कुल लिखना है फॉर्मेशन से 6 इज इक्वल टू SIX 6. आपकी पेंसिल के नेब बिल्कुल शॉर्प होनी चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है. S6 इज इक्वल टू SIX 6. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है. सेम एज इट इज इसी तरह से लिखना है 6 इज इक्वल टू SIX 6. 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 ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये 6 की इनवर्ड काउंटिंग लिखनी है. अब नेक्स्ट हम कौन सी लिखेंगे? 7 की. इसी तरीके से हमने बीच में वन बॉक्स स्पेस छोड़नी है और लिखना है हमने 7 इज इक्वल टू SEVEN 7. 7 इज इक्वल टू SEVEN 7. S इज इक्वल टू S बनाएंगे हम. फिर मेक, जिन बच्चों ई बनाने हैं तो इस तरह से बनाएंगे मेक अ ख, देन इसको थोड़ा सा टर्न अराउंड कर देंगे. ओके, फिर V मेक अ ख अंदर टर्न अराउंड कर देंगे. N छोटा सा वन बनाएंगे और उसको यूं बम्पटी बना देंगे. ओके, 7 इज इक्वल टू SEVEN 7 इज इक्वल टू SEVEN 7 7 इज इक्वल टू, बिल्कुल लाइन पे आपने टच करके लिखना है SEVEN 7 7 इज इक्वल टू SEVEN 7 7 इज इक्वल टू SEVEN 7. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये वाला पेज जो है इस तरीके से राइट इन वर्ड काउंटिंग 6 and 7 की इन वर्ड काउंटिंग इस तरीके से आपने नीट एंड क्लीन वर्क मुझे करके देना है. ओके स्टूडेंट्स, और मैं जिसका भी नीट एंड क्लीन वर्क होगा उसी को जो है स्टार दूंगी. नेक्स्ट हमने कौन सी इन वर्ड काउंटिंग लिखनी है? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने ये वाला पेज ओपन करना है और आपने राइट इन वर्ड काउंटिंग 8 and 9. 8 और 9 की आपने इन वर्ड काउंटिंग लिखनी है. सेम उसी पैटर्न से, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, 8 ड्रॉ करेंगे. पहले
एक सर्कल बनाएंगे, नेक्स्ट उसके नीचे एक और सर्कल बनाएंगे, ओके। फिर इज इक्वल टू ई आई जी एच टी एट, छोटा सर्कल बनाएंगे एक और, फिर नेक्स्ट एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, इज इक्वल टू ई आई मेक अ ख गो अप गो डाउन एंड टर्न अ लिटल एच टी एट, एट ड्रॉ करेंगे हम इसी तरीके से ई आई जी एच टी, बिल्कुल लाइन पे हमने लिखना है, लाइन से बाहर नहीं जाना है, बॉक्स के अंदर और लाइन से टच करके बिल्कुल हमें लिखना है। बहुत से बच्चे जो हैं बॉक्स से बाहर निकाल के करते हैं और थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना है। ई आई जी एच टी एट, ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क इसी तरीके से आपने करना है। एट ड्रॉ करना है, एट इज इक्वल टू ई आई जी एच टी एट, बहुत सिंपल है, आपने बहुत आराम आराम से नीट एंड क्लीन वर्क ये घर पे करना है। ई आई जी एच टी एट, एट इज इक्वल टू ई आई जी एच टी एट, एट इज इक्वल टू ई आई जी एच टी एट। नेक्स्ट हमने कौन सी लिखनी है, ओके नेक्स्ट हमने कौन सी इनवर्ड काउंटिंग लिखनी है, नाइन, नाइन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, नाइन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, आपने सेम एज इट इज लिखना है और वन बॉक्स की स्पेस देनी है, एन आई एन ई नाइन, नाइन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, नाइन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, नाइन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, आपने बिल्कुल लाइन से टच करके लिखना है, लाइन के ऊपर लिखना है एन आई एन ई नाइन, ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिल्कुल लाइन पे आपने लिखना है, लाइन से ऊपर नहीं लिखना है। एन इज इक्वल टू एन आई एन ई नाइन, ओके स्टूडेंट्स, देन आपने ये वाली काउंटिंग इस तरह से कंप्लीट करनी है नीट एंड क्लीन वर्क। नेक्स्ट आपने कौन सी करनी है, राइट इनवर्ड काउंटिंग 10, 10 की स्पेलिंग आपने राइट करनी है किस तरीके से, सेम एज इट इज, आपने वन बॉक्स का स्पेस देना है इस तरीके से, वन जीरो, टेन इज इक्वल टू टी ई एन 10, ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने लिखना है, वन जीरो इज इक्वल टू 10 टी ई एन 10, वन जीरो 10 इज इक्वल टू टी ई एन 10, ओके स्टूडेंट्स, 10 की इनवर्ड्स किस तरह से लिखेंगे हम काउंटिंग, इसी तरीके से वन जीरो इज इक्वल टू टी ई एन 10, वन जीरो 10 इज इक्वल टू टी ई एन 10, वन जीरो इज इक्वल टू टी ई एन 10, बिल्कुल लाइन पे आपने टच करके लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, मैं बार बार इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि हमें बिल्कुल लाइन पे लिखना है इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स,
10 is equal to T E N 10. Okay students, इस तरीके से आपने ये सारी words counting आपने write करनी है. तो students, आज हमने क्या किया, इन वर्ड काउंटिंग राइट की, पेज ये वाला पेज ओपन किया, 4 की हमने पहले इन वर्ड काउंटिंग लिखी इस तरीके से, नीट एंड क्लीन वर्क. नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाला पेज ओपन करना है, राइट इन वर्ड काउंटिंग 5, इसी तरीके सेम वन बॉक्स के गैप से हमने इस तरीके से ये 5 की इन वर्ड काउंटिंग राइट करनी है. उसके बाद नेक्स्ट आपने ये 6 एंड 7 की जो है इन वर्ड काउंटिंग इस तरीके से नीट एंड क्लीन वर्क करके करना है. और नेक्स्ट ये 8 एंड 9 की भी और 10 की, 8 9 10, यानी 6 टू 10 आपने मुझे ये इनवर्ड काउंटिंग राइट करके देनी है. ओके स्टूडेंट, जैसे हम क्लास में करते थे सेम एज इट इज, इसी तरह नीट एंड क्लीन वर्क आपने करना है. वन बॉक्स के गैप से आपने लिखना है इस तरीके से, ये देख लीजिए आप लोग, और बहुत अच्छा आपने वर्क करके मुझे देना, और जिसका मुझे नीट एंड क्लीन वर्क मिलेगा मैं उसी को स्टार दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, और साथ साथ आपने ये इनवर्ड्स काउंटिंग याद भी करनी है. ओके स्टूडेंट्स, आपको याद है हमारी क्लास में जो है ये इनवर्ड्स काउंटिंग का आपने देखा होगा कि ये एक पोस्टर लगा हुआ है, हम इससे आपको आज रीड करवाएंगे. हमने ये पहले जो आपको प्रीवियस वर्क आपको याद है, हमने याद किया था 1 2 3 की स्पेलिंग्स हमने याद की थी, क्या थी, ओ एन ई वन. वन की इनवर्ड काउंटिंग क्या है, ओ एन ई वन. नेक्स्ट है 2, टी डब्ल्यू ओ 2. उसके बाद नेक्स्ट 3, टी एच आर डबल ई 3. टी एच आर डबल ई 3, ठीक है. और इनके आगे हमने उतने ही जितने ये लिखे हुए हैं नंबर्स हमने जो है सर्कल्स लगाए हैं, जैसे ये 1 था ओ एन ई 1, हमने 1 सर्कल लगा दिया. नेक्स्ट 2 था तो हमने टी डब्ल्यू ओ 2, तो हमने 1 2 2 सर्कल्स लगा दिए. नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 3, तो 3 की इनवर्ड काउंट क्या है, टी एच आर डबल ई 3. उसके आगे हमने क्या किया, 3 सर्कल्स लगा दिए, 1 2 3. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आज हमने जो काउंटिंग लिखी है इनवर्स काउंटिंग वो कौन सी लिखी है, 4, एफ ओ यू आर 4. हमने कितने सर्कल्स लगाने यहाँ पे, 1 2 3 4. मेरे साथ साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आज हमने कौन सी इनवर्ड काउंटिंग लिखी, 5, एफ आई वी ई 5, एफ आई वी ई 5. तो हम यहाँ पे कितने सर्कल्स लगाए हमने यहाँ पे, चेक किए कौन से कितने सर्कल्स, काउंट कीजिए मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5. हाउ मेनी सर्कल्स, 1 2 3 4 5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कौन सी इनवर्ड काउंटिंग लिखी थी, 6, एस आई एक्स 6, एस आई एक्स 6. तो हम यहाँ पे कितने सर्कल्स लगाएंगे, हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, नेक्स्ट कौन सी इनवर्ड काउंटिंग थी हमारे पास, 7, एस ई वी ई एन, एस ई वी ई एन 7. हाउ मेनी सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7. हाउ मेनी सर्कल्स, 1 2 3 4
5, 6, 7. Okay student, next 8. Next कौन सी इनवर्ड काउंटिंग थी? 8. E I G H T, 8. E I G H T, 8. How many circles? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, 9. N I N E, 9. N I N E, 9. How many circles? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay students, next and last हमारे पास कौन सी word counting थी? 10. 1, 0, 10. T E N, 10. T E N, 10. How many circles? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay students, इस तरीके से आपने ये जो है काउंटिंग जो हमने राइट की है आज कॉपी में, आपने इसको लर्न भी करना है, इसको याद भी करना है. मैं सुनूंगी आपसे वन बाय वन ग्रुप में. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आपको पूरी ये 1 से 10 तक याद होनी चाहिए. ओ एन ई 1, टी डब्ल्यू ओ 2, टी एच आर डबल ई 3, एफ ओ यू आर 4, F I V E 5, S I X 6, S E V E N 7, E I G H T 8, N I N E 9, T E N 10. Okay students, तो आपने अपनी करना है कि वो कॉपी का जितना भी मैंने इनवर्ड्स काउंटिंग का काम करवा है आज आपने वो डन करना है. अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करना है और मुझे अच्छे से आपने सारा काम डन करके देना है. नीट एंड क्लीन राइटिंग में बिल्कुल बॉक्स के अंदर आपने राइट करना है लाइन से टच करके, और मैं उसी को स्टार्ट दूंगी जिसका वर्क नीट एंड क्लीन होगा. और खुद करना है अपना सारा काम, अपना वर्क आपने खुद डन करना है, सिस्टर या पेरेंट्स से नहीं करवाना है. ओके स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्स आपने जो है ये वीडियो बच्चों को अच्छे तरीके से दिखानी है और फुल वीडियो दिखाइएगा, हाफ वीडियो नहीं, क्योंकि अक्सर जो हम वर्क जो करवाते हैं वो पूरा नहीं आता क्योंकि आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते. तो काइंडली वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सारा वर्क समझ में आ जाए. और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.